हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम दोबारा से खेलने वाले लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल रे अपना ग्लोबल रैंक का डे नंबर 9। और भाई अभी हम जा रहे हैं भाई ये क्या भाई अवेंजर को मारने। और भाई अपना भाई अभी हमने न्यू व्हीकल नहीं बनाई ना, तो प्रॉब्लम हो रही है। पर भाई पास में अपने गैस स्टेशन है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कम है, क्योंकि भाई लॉन्च होकर आऊँ भाई थोड़े से तो भाई अपने मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं। चलो जब तक वो ये सब कर रहे तब तक भाई जो भी बंदा नहीं है और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। और भाई बेल आइकन ऑन पे भी कर देना ताकि ऐसी वीडियो आती रहे। और आज ना भाई कुछ ज़्यादा ही कमाल होने वाला है, क्योंकि भाई अभी हमको अवेंजर भी मिलेगा, ईजी भी ईजी भाई ईजी को आपको मारना ही नहीं मिलेगा तो भी हम नहीं मारेंगे। अवेंजर है ड्रॉप है और भाई फ्री का ये नहीं मिलने वाला भाई, बिल्कुल नहीं फ्री देख रहा। अभी से लॉन्ग पहले मिलिट्री चलते हैं। और अभी भाई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि अभी ड्रॉप का भी टाइम है, वो भी ड्रॉप भी हार्बर में ही आने वाला। मैंने कहा भाई अपनी किस्मत देखना अभी क्या है। अभी हम भाई आराम से जा रहे हैं उठ के क्या भाई लॉन्च होके जा रहे हैं उठने की। भाई अपने पास इतनी ज़्यादा अपने पास हेलिंग है नहीं, वरना तो भाई उठ के चलते हैं। इसमें ना भाई एक ही प्रॉब्लम है कि भाई पता नहीं आप कहाँ पर जाके गिरोगे। मैं तो भाई हर बार यहाँ से लॉन्च होके जाता हूँ ना पानी में गिरता हूँ, पर इस बार देखना भाई कहाँ गिरते हैं। हमने पैराशूट भाई थोड़े ऊपर से खोल दिए ताकि भाई हम थोड़े भाई किनारे तक पहुँच जाए तो मज़ा आ जाए। पर भाई किनारे तो पहुँचेंगे नहीं, पानी में ही पहुँचेंगे, पर अच्छे खासे अपना भाई तैरना कम हो जाएंगे। पर भाई बीच में गिरे ना तो देख रहे हैं बोट घूम रहे भाई, सारे गार्ड घूम रहे हैं भाई, पेल देंगे हर तरफ से गोली मारेंगे भाई, पूरे बंदे में सेध ही सेध कर देंगे। ओके अभी देखो अपने पीछे ये, चलो कोई बात नहीं, इससे तो हम बस के निकल जाएंगे। आगे चलते भाई हम। अभी यहाँ पर ना एक वो पीछे एक बेस था आपने देखा हो तो भाई वो बंदे ना थोड़ी देर बाद अभी हेली आने वाला है तो वो बंदे हेली भी फोड़ने वाले। पर भाई बाद में देखते भाई वो हेली फोड़ेंगे तो हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। पर अभी चलते हैं अपने भाई, पहले अपना अवेंजर मारते, बाद में जो भी होता है वो बाद में करेंगे भाई। अवेंजर पहले भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए, जैसे अपने पास अच्छी खासी यार तो हो ही चुकी है। और भाई लो मैंने मैप ओपन किया और ड्रॉप भी आ गया। मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो गया भाई, हमको ड्रॉप भी मिलने वाला है भाई। अपने पास यार भी है, हम भाई रेडी भी है और भाई आ गए यहाँ पर। अभी सबसे हम पहले पहुँचे ना तो अभी तो रिपोर्ट में कोई भी बंदे शो नहीं कर रहे हैं, पर थोड़ी देर बाद वे आ भी सकते हैं तो वह देखते हैं बंदे आते हैं या नहीं। ओके ड्रॉप तो अभी गिर चुका है, हम भाई जल्दी से ड्रॉप ओपन करके अपना अवेंजर को मारना चले जाएंगे, ताकि भाई अवेंजर को मार के आए तो यहाँ पर ड्रॉप भी ओपन हो जाए। और भाई यहाँ पर इतनी देर भाई जब वो ऐसे ड्रॉप आता ना तब इसको ओपन करके भाई ऐसे राह देखते ना तब इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है भाई, कब ओपन होगा और कोई आ गया उनको मार देगा या भाई ड्रॉप डूब के चला जाएंगे ऐसा होता रहता है। इससे अच्छा भाई हम अपना अवेंजर मार के आते हैं और बाद में सीख करते हैं कि भाई बंदे हैं या नहीं। चलो अभी 10 मिनट लगेंगे ओपन हो रहे भाई, तो आराम से हम भाई मिलिट्री लौट के आ सकते हैं। ओके चलो कहाँ गया अपना और पे आ जा सर, यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। और भाई हम मिलिट्री भी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर भाई रिपोर्ट चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर कोई बंदा तो नहीं है ना, क्योंकि अवेंजर आया है तो भाई बंदा आसपास होगा ना तो भी उसको पता चल जाएगा कि भाई कोई अवेंजर मार रहा है भाई, बंदे तो है नहीं। अपना अवेंजर कहाँ घूम रहा है भाई, हमको 1 2 3 4 जितने भी यार देने हैं दे दे पर कुछ अच्छा इस बार दे। रेयर समन ओके अवेंजर तो खड़ा है भाई, ग्लिस होता कहाँ गया भाई। ओके नहीं पे हमको थोड़े दूर से वापस से आना पड़ेगा वरना तो भाई उसका कहीं अलग ही फायर करने लग गया है, हो गया आई थिंक नहीं हुआ ऐसा लग रहा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा खोल के ही आ जाते भाई, इतना टाइम लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से खोल के आ जाते हैं। और भाई बाद में देखते हैं कि भाई ये जल्दी से भाई ग्लिच हो जाता है ना तभी मज़ा आता है भाई मारने में, तो टाइमिंग इतना टाइम नहीं लगता पर इसको भाई ग्लिच करवाने में ज़्यादा टाइम चला जाता है। 1 2 राउंड मारो तब जाके ग्लिच हो जाता, कभी कभार भाई आता है तुरंत ही ग्लिच हो जाता। पर ओके अभी
शायद से रिस्क हो चुका है। ओके चलो रिस्क हो चुका है, फिर मारते हैं जल्दी से और बस चेक करते हैं कि इससे क्या मिलता है। देख रहा हूँ ऐसे उसकी गन में भाई वो ख़त्म ही नहीं होती, कितनी भी फायर करने पर उसकी गन वो रिलोड ही रहती है और उनको ही रिलोड करनी पड़ती है। ऐसे ना कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा इसको मारने में। ओके फाइनली पे अंजर मर चुका है और पे उनको यार मिली, बजूका मिली, 10 पॉइंट मिले ना बढ़िया है। पर्पल रूम कार्ड भी मिल गया, तो पे पर्पल रूम भी यहाँ से ओपन करके निकलते हैं और पे बैग थोड़ा सा खाली भी करना पड़ेगा अपने पास। भाई देखो मैं क्या सोच के आया था पता है, हम बंडेड के जाएंगे यहाँ से पहले अवेंजर को मारेंगे, बाद में बंडेड के जाएंगे वहाँ से लेवल 2 का मास्क ले लेंगे और वहाँ पर ब्लू रूम होगा ना तो उसको भी ओपन कर देंगे। पर यहाँ पर भाई बीच में हम पहुँचे तभी पता चला कि भाई एयर ड्रॉप भी आ रहा है, उनको ड्रॉप की टाइम हमने देखा नहीं था, वरना तो भाई मास्क ना एक दो एक्स्ट्रा लेके आते, एक ही ले आते हैं फुल लेंथ वाला। पर चलो कोई बात नहीं, अभी जल्दी से भाई यहाँ के रोल करते हैं। ब्लू रूम भी नहीं करना भाई, अभी ब्लू रूम करने को टाइम नहीं है अपने पास, वरना तो ब्लू रूम भी हमको करना था। पर अभी पर्पल रूम में लूट चेक करते होगी तो भाई पर्पल रूम लूट लेते हैं और जल्दी से अपने ड्रॉप के पास चलते हैं। ओके चलो यहाँ पर इस गार्ड को पहले मार देते भाई। लूट तो ओके एडवांस से ताकि भाई हम ओपन करें। ओके चलो वायर भी हमने लगा दिए हैं और भाई देखते इसमें से SMG नहीं चाहिए भाई, डिसमेंटल करनी पड़ेगी। चलो लूट तो यहाँ से भाई मिल जाएगी, अब एक्स्ट्रा सामान तो डिसमेंटल ही करना है ना, कर लेंगे भाई। अपना बैग भी अभी खाली है। यहाँ पर भाई मिलिट्री में भाई डिसमेंटल मशीन किसी को पता हो तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई, पता ही नहीं भाई यहाँ पर है या नहीं। एक दो बार भाई ट्राई की थी पर बाद में भाई दिमाग ख़राब हो गया, अपना पूरा मास भी ख़त्म हो गया और भाई बाद में कहीं रूम करने भी नहीं जा पाया। ओके चलो अभी निकलते हैं, अपना बैग देख लो भाई यहाँ पर ही एक अवेंजर और भाई एक पर्पल रूम किया तभी अपना बैग फुल होगा, इससे तो भाई ड्रॉप का सामान आ जाएगा। ओके चलो अभी इतना तो भाई लेके निकलते हैं अभी जल्दी से ड्रॉप पे, और भाई ड्रॉप में क्या आने वाला है देखना पड़ेगा कभी कभार उससे भाई। वैसे तो हमको अभी ना मेनली क्या ज़रूरी है, 4x चाहिए, बाकी ऑलमोस्ट अपने पास सब चीज़ें जो कि हमको चाहिए होती है। एक फॉरेस्ट मिल जाता ना तो और मज़ा आ जाता, अपने पास सारे बम और भाई आर्मर तो भाई टाइटेनियम का आर्मर पता नहीं, देखो टाइटेनियम का आर्मर कैसा होता है पता है, हमको रूम में मिलता है तो लास्ट तक उसको यूज़ नहीं करते और लास्ट में भाई एक बार मर गए तो वो भी गया, ऐसा दिमाग ख़राब होता है। ओके हम आर्मर में आकर भाई ड्रॉप भी हमने ऊपर कर लिया और इसमें से भाई C4 और भाई अच्छा खासा सामान मिला। जल्दी से निकलते हैं यहाँ से भाई, बंदे तो कोई दिखे नहीं तो मैंने कहा भाई भग लो यहाँ से, अभी रुकने में कोई अपना फायदा नहीं है, कोई पता चला आया तो अपना अच्छा खासा लूट लेकर भग जाएगा। तो ओके अभी देखते हैं क्या क्या मिला है ड्रॉप से हमको। भाई देख लो 25 पॉइंट तो हो गए, एक C4 है भाई और भाई दुकान भी मिली है, चलो बढ़िया है। और भाई मेहंदी भी आ चुका है तो भाई अभी नहीं तो भाई अभी हम फोड़ने की तो हमको अभी यही फोड़ना है, पर प्रॉब्लम वही है कि अभी हमने भाई सामान हमने एमओ नहीं बनाई, बाकी तो अपने पास सारा सामान है अपने मेज पे भाई पे कवर भी अच्छा खासा है तो आराम से भाई हेली को हम टैप टैप करके फोड़ भी सकते हैं। पर अपने बेस के पास ही दो बंदे हैं जो कि हमको परेशान करने आ जाते हैं, इसलिए ना अभी नहीं, जब रात को कभी मैं खेलूँगा ना तब रात को भाई आधी रात को भाई बंदे ऑफलाइन हो गए ना तभी हेली को फोड़ने की ट्राई करूँगा, पर तभी हेली भी आना चाहिए वरना भाई फोड़ के खेल फेंदा
फिर सब एक बार ट्राई करेंगे। और आज तो भाई फ्री का ही नहीं लेने वाला, वैसे भूल गए भाई, भूल कैसे गए भाई। चलो अभी ये सामान है ना हम रख देते हैं। और अभी मेरा प्लान क्या है पता है, मैंने कहा देखो अपने पास सामान तो ये सारा आ गया, अभी हमको एक जाए भाई स्टील जाए भाई अच्छा खासा, तो वन बी एच तो लूट में जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो अभी वन बी एच पे चलते हैं और भाई चेक करते हैं कि वन बी एच में लूट है या नहीं। हमको एक बार भाई वन बी एच की टाइमिंग पता चल जाए ना, बाद में मैं बोल रहा हूँ कि किसी को वन बी एच में उसके नसीब में होगा या भाई उसको मिलेगा, क्योंकि बाद में हम एक बार हमको पता चल जाए ना तो हम टाइमिंग भी चेंज कर देंगे लूट के। ओके भाई अभी ये थकला है भाई, सामान देख लो पूरा सारे भाई बैग के भाई बॉक्स भर चुके हैं। इसमें भाई थोड़े से यहाँ पर भाई थोड़े सीफोर ऐसा रखा है, बम का सामान थोड़ा नीचे है। ओके हमको भाई जो भी सामान चाहिए वो हमने ले लिया है। ये देखो शॉटगन लिए और क्लॉथ ले, ज़्यादा तो वही ज़रूरत है बोर्ड बेस पे जाने के लिए। और अभी भाई सेल्फ करके जाते हैं भाई, देख रहे हो हेली सक्सेस गिर गए पर उसका कोई काम भी नहीं है, अपने पास हेली की रेसिपी नहीं है और वो डिसमेंटल पे नहीं होता सामान, तो उसको छोड़ो। अभी हम आ गए यहाँ पर और यहाँ से भी भाई अभी तैर के जाना पड़ेगा। ओके जल्दी से भाई तैर के चलते हैं उस टाइम, और फिर अपना एक स्लीपिंग बैग लगा देंगे और फिर बाद में चेक करते हैं कि है या नहीं बोर्ड बैग में लूट। ओके देखो अपने भाई बैग इतने सारे फुल हो चुके हैं, लिमिट आ चुकी है। तो भाई यहाँ पर एक अपने सब्सक्राइबर भाई का बैग यहाँ पे बैग था तो उसको हमने दिया ना, तो अभी तोड़ देते हैं। वैसे भी वो भाई ऑनलाइन तो आते नहीं, तो भाई क्या ही रख के फायदा, इसलिए हमने तोड़ दिया। और अभी निकलते भाई ओके, यहाँ पर वैसे मोड भी खड़ी है पर अपने पास फ्यूल नहीं है, वरना तो भाई जल्दी पहुँच जाते हैं। अभी भाई तैर के निकलना पड़ेगा। चलो भाई यहाँ से भाई डुबकी मारते हैं और सीधा उस साइड निकलते हैं। कि भाई हम आ चुके हैं यहाँ पर। और वैसे ना यहाँ पर मैं दो तीन बार आया ना, एक दो बार भाई बंदे लोग को मिले भी है, क्योंकि एक बंदा ना क्या करता है पता है, एक बार मैं आया ना पूरा आयरन का बोर्ड बेचता और बंदा टॉप पे जाके ऑफलाइन हो गया था, ताकि भाई उसको बोर्ड बेच के बाद में लोकेशन क्या भाई टाइमिंग पता चल जाए। तो मैं भी भाई बाद में उसको मार के मैं सो गया था वहाँ पर, ऑफलाइन चला गया था। पर मैं जब वो प्लान आके देखा तो भी बोर्ड बेस टूटा ही, मैंने कहा सोडो पे हम तो भाई दूसरे बहुत ज़्यादा काम है यहाँ पर भाई, बाद में कभी हम बोर्ड बेस का टाइम चेंज कर देंगे। और अभी चेक करते हैं इस बार भी भाई आयरन का ही बोर्ड बेस है। मैं जब भी आता हूँ तभी आयरन का ही होता है, पता नहीं उड़ का आ रहा है या आ नहीं रहा। हम अभी पहले भाई अपना शॉटगन निकाल लेते हैं भाई, दो तीन बैंडेज भी बना लेते हैं, अपनी थोड़ी सी कम है तो फूल कर लेते भाई। ओके और भाई बोर्ड बेस में भाई लूट बनेंगे तो मज़ा आ जाएगा। अभी सेक करते जल्दी से यही के भाई पहले बैग सेक करते। ओके भाई देखो अच्छी बात होगी कि और भाई क्यों ये निकल गई है, अच्छी बात तो नहीं हुई पर इससे मिल गया वो अच्छी बात होगी भाई। यहाँ पर भाई कचरा है पता नहीं डब्बों में कचरा ही मिलता है क्या और भी कुछ मिलता है। इससे पहले भी मैं आया था तभी यही सेम टू सेम सामान था, पर भाई उस बार वोल्टेज रोटेट था तो मुझे लग रहा है इस बार भी भाई वोल्टेज रोटेट है क्या, सीख करना पड़ेगा। ओके यहाँ पर तो बॉक्स भी होता है, एक और पे डोर ओपन करते हैं और यहाँ पर एक बार वुडन बॉक्स ओके, यहाँ पर शॉट गन मिल गई, फ्यूल और भाई आयरन और मिल गया, वो स्टेन तो भाई है नहीं भाई, सामान तो है पर स्टेन जो हो जाइए वो ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भाई लोग के नीचे भी वो होता है इसको ओपन करके सीख करते हैं। ओके इसमें से भी भाई आयरन और स्टोन भाई फूल भी मिला पर स्टील का है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई गेम वालों ने क्या कुछ घपला कर लिया क्या भाई, स्टील नहीं दे रहे जिसके लिए हम भाई बोर्ड में लुटने हैं और वही सामान नहीं मिल रहा, बताओ भाई क्या हालत खो देंगे अपनी।
यहाँ पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा कि भाई ये बोन बेस किसी ने लूटा होगा, तो भाई यहाँ का स्टील लेकर बंदा भग गया। पर भाई इसे पर जो भी लूटने आएंगे वो भाई सामान का पूरा ही लेकर जाएगा। और वो विंडो भाई वो भी हो गए हेलो कोई बात नहीं। अपना यहाँ पर भाई स्लीपिंग बैग हमने लगा ही दिया है, जल्दी से स्पॉन होकर आते हैं वापस। ओके चलो हम वापस आ गए। और भाई अभी देखना होगा कि भाई इसके देखो यहाँ तक तो कोई भी इजीली भाई ये लूट ले सकता है, क्या पता भाई बंदे ने भाई यहाँ का स्टील लिया हो और भाई दूसरी जगह से नहीं लिया हो, तो भाई हम दूसरी जगह पर चेक कर लेते हैं भाई। और तो क्या चलो हमको थोड़ा बहुत और भाई स्टोन मिल गया है तो रख ले लेंगे। ओके यहाँ पर वापस से भाई जनरेटर में हमने वायर तो लगा ही लिए, और यहाँ से जंप करके चलते इस डोर को ओपन करते हैं। जो ऑप्टिक है यूज नहीं करना, वो उसको मुक्का मारना है। लग जा भाई। ओके डोर ओपन हो चुका है। और यहाँ पर भाई जनरेटर होता है, वहाँ पर उनको थोड़ी सी वायर डालनी है, पर भाई यहाँ ना एक गार्ड भी रहता है जो कि उसको मारे ना तभी वायर डाल पाएंगे। अभी तो ब्रिज से दिख भी नहीं रहा। और भाई इस डब्बे में भी लूट रहती है, तो वहाँ पर भी जाना है, पर कैसे गए भाई? अपने पास आर्मर नहीं है, वरना भाई ऐसे आराम से इस पाइप के करके भी जा पाते। पर अभी आर्मर पे अच्छा खासा होना चाहिए, बिना आर्मर के तो हम पे बोन बेस लूट में आए हैं। सामान पर देखो इसमें क्या ही आर्मर लेके आए। ओके पीछे गाड़ी, इसको भाई पहले मारना पड़ेगा। इसमें पर क्या ही आर्मर लेकर आए, जो सामान चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है, तो आर्मर क्या ही भाई बिना बात के लगा रहे हैं। वरना भाई आर्मर लेकर आएंगे इसमें तो भाई इतनी जल्दी आपका आर्मर खत्म हो जाता ना, क्या ही बताए भाई। अभी चलते हैं, ट्राई करते हैं कि भाई उस गार्ड को मार के भाई वहाँ पर वायर लगा देते हैं। ओके चलो भाई, यही सबसे बोर्ड इस बोर्ड बेस का ना मेन वो यही है कि भाई यहाँ से आप दो भाई थोड़ी सी एचपी में हम बस गए हैं। और वापस से ट्राई करते हैं भाई अपने हेल्थ पोकर को। भाई हमने वहाँ पर जाने का ट्राई की, पर भाई नहीं जा पा रहे। मैंने कहा छोड़ो, और भाई अभी ना हमको किसी बंदे ने एली फोड़ा है तो नोटिफिकेशन भी आया। मैंने कहा चलो भाई अभी जल्दी से अपना बेस डरते हैं और खुश दे भाई, पहले एली को भाई लूटने की ट्राई करते हैं। वैसे भी अपना भाई एयरपोर्ट पे हमने बेस बना के भी रखा है, क्योंकि हमने भाई वो टैंक फोड़ा था ना तभी हमने बेस बनाया था, तो अभी भी है। मैंने कहा चलो यहाँ से भाई गन भी वहाँ पर वैसे तो सब कुछ है, कुछ ले जाने की ज़रूरत तो नहीं है, पर यहाँ से एक एमो जाए गन और पे थोड़ी सी एमो लेकर चलते सेफ में रख के। ओके और पे देखते हैं कि भाई एली फोड़ने वाला कौन है और भाई कितने बंदे हैं। एली फोड़ा है तो भाई पूरी स्क्वाड ही होगी, जहाँ तक लग रहा है, तब तक बाद में तो पता नहीं भाई। ओके एक भाई बजुका भी लेके जाया चलते हैं भाई, क्या पता हमको भाई एली की लूट मिल जाए बजुका भाई किसी को मुँह पे मार के, तो भाई अपना फायदा हो जाएगा। ओके चलो बचुका ने भाई एक एमो लगा दिया है और अभी चलते हैं भाई वहाँ पर। ओके बंदा ने भाई कवर ना कर लिया हो भाई, वरना हम नहीं लूट पाएंगे। वो कि कहा है ये फूटा हुआ भाई इस साइड है। ओके भाई बंदे वहाँ पर भाई उसका बेस भी बेस बना नहीं सकते, तो भाई थोड़ा सा साल से कि भाई हम लूट सकते हैं लेने पर। ओके अब लोग पास बेस में थोड़ा सा सामान भी है, सनो बढ़िया है। अभी रिपोर्ट में भाई कोई नहीं थे, ये क्या स्कैम हो? शायद से भाई यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता ना बंदे कहीं वो वहाँ पर उस साइड हो गए, तो वहाँ पर जाके पता चलेगा। ओके अभी क्या लेकर जाते, खाना भी और उसको भाई खिलाना पड़ेगा। ओके एक बंदा आया भाई,
चलो अभी तो भाई एक बंदा है तो भाई इसलिए हम भाई हेली को भी हम लूटने वाले हैं, पर भाई फिर भी बंदे ने भाई इतनी मेहनत से हेली फोड़ा है तो इसी ने तो भाई लूट नहीं लेने देगा। फिर भी हम जाते देखते हैं और अपनी भाई ये थोड़ी सी एज वाली गन है ना MG4 उसको अभी रखते हैं ताकि मर भी गए ये गन गिर जाए ना वो भी कोई बात नहीं। ओके बंदे वहाँ पर है भाई, बंदे ने हमको देख भी नहीं यार। अरे पैसा फिर वहाँ पर जाने की भाई हम ट्राई कर रहे थे पर भाई अभी नहीं जाना क्योंकि वहाँ पर भाई दो बंदे तो मुझे दिख ही रहे हैं। ओके ट्राई करते हैं मारने की। देखो यही प्रॉब्लम होती है जब भाई दूर से किसी को मारना हो ना तो रेड डॉट इस गेम में ना रेड डॉट इतना दूर से मारने में भाई कुछ मज़ा नहीं आता और भाई गोलियाँ ज़्यादा कनेक्ट भी नहीं होती। भाई दो तीन बंदे लग रहे भाई वहाँ पर, रुको भाई मास भी लेकर नहीं आए। पर देखो अपने को भाई अच्छा खासा है भाई कवर मिल गया और वॉश भी है तो आराम से उसके ऊपर सड़के बेचते जैसे भी टैंक बुझेगा ना टैंक क्या भाई ये नहीं बुझेगा ना तब इसको भाई जंप करके हम उस तरफ जाके भाई ट्राई करेंगे कि लूट ले और तो कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि तीन बंदे हैं। हमने रिपोर्ट भी चेक तीनों बंदे पे वहीं पर है। ओके भाई ये वैसे वही बंदे हैं जो कि भाई वो अपने बेस के पास आते हैं ना सारा सामान डिसमेंटल करने वाले वही बंदे हैं। ओके भाई अभी तो थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि भाई बंदे कैसे आकर मार ना जाए क्योंकि भाई पता नहीं कहाँ से फ्लैंग मार के आ जाए और भाई मार दे और इन्हीं बुझने में कितना टाइम लगेगा वो भी हमको नहीं पता तो देखते हैं भाई इन्हीं लूट पाते हैं या नहीं। ओके फाइनली एली बुझने का टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट। ओके भाई एली बुझ चुका है और भाई जल्दी से भाई अपने हॉर्स को भाई जंप करा के देखती है बंदे लाए उससे पहले। अरे भाई जंप कर ले। ओके चलो भाई अपना हॉर्स भाई जिंदाबाद। ओके एक बार लूट दी भाई। ओके मिल गया मिल गया भाई कुछ। ओके एनर्जी आर्मर कुछ तो मिला भाई जल्दी से निकलता सामान तो हमने सारा चोरी कर लिया। बंदों को शायद से पता भी नहीं बंदे अभी फायर भी नहीं कर रहे और वो देखो अपने हॉर्स की खाने की भाई खाने का बार कितना कम है भाई बंदों को दिख। ओके एक बंदा अभी लूटने आ रहा है भाई बंदे को कोई आइडिया ही नहीं कि भाई उसका एली का सवार गायब भाई जाके देखेगा रहे भाई ऐसा दिमाग खराब होगा ना भाई देख लेना। ओके भाई हम अपने भी जाके अभी भाई कोई दिक्कत नहीं आराम से हम भाई सारा सामान देखते हैं और भाई चेक करते हैं क्या क्या मिला। ओके भाई 10 कोड एनर्जी आर्मर और भाई लुइस मिली ये भाई एनर्जी का भाई वो कुछ होता ना वो है। चलो बढ़िया है भाई मज़ा आ गया भाई फ्री का सामान 3 हेलमेट मिल गया। चलो भाई अभी अपना आराम से भाई ये सामान ढक देते हैं और भाई निकलते हैं अपना भाई एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के अपना बोर्ड बेस थोड़ा हमने लूटा और थोड़ा रहने दिया ना तो अभी वो भी चेक करना है कि भाई उसमें क्या है। पर इसमें तो भाई अलग लेवल का ही मज़ा आ गया बंदे भाई भी वहीं पर घूम रहे और उसको कोई आइडिया नहीं कि उसका सामान कौन लेकर चला गया। ओके भाई ये सामान उनको अपने मेन बेस ही शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसको वैसे रिपोर्ट में नाम चेक किया होगा तो उसको पता ही होगा कि भाई किसने लिया और ये बेस तो भाई वो आराम से रेड कर सकते हैं। इसलिए भाई तो यहाँ से भी निकलते हैं और जो भी सामान गिर गया वो हम बाद में ले लेंगे। ओके ओके गाइस हम वापस से आ सके और भाई अपना बोर्ड बेस पे अभी इस साइड से चेक करते कि इसमें भाई इंसान तो इसमें भी है पर भाई स्टील तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि भाई बंदों ने लूट लिया और भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई गेम वालों ने स्टील ही निकाल दिया इस बोर्ड बेस पे से भाई हमने तो लूटा अभी नहीं है अपना पहला बोर्ड बेस है जो कि हमको ये सामान दिखा वरना भी कुछ भी नहीं दिखता पता नहीं क्या सीन है हमको कुछ समझ भी नहीं आ रहा। पर अब क्या ही कर सकते भाई सुनो कोई बात कोई जो भी सामान है वो लेकर जाएंगे अपने बेस पे और भाई स्टील मिल नहीं रहा तो भाई
अब तो कुछ खास प्लान का है नहीं भाई अभी तक, वो इसमें क्या ही लूटे। चलो जल्दी से वो जितने भी यहाँ पर होते ना सारे सेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक और बॉक्स है, इसको चेक करते हो। ओके, इसमें से भाई SMG मिली, फ्यूल मिला भाई, इसमें भी स्टील तो है नहीं भाई। तो यहाँ पर एक और बॉक्स है, इसको भी लग गया आपको सेक कर लेते भाई। इसमें से तो क्या मिलेगा भाई, इसमें ब्लू कार्ड। और भाई पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है भाई, इस बार तो भाई ऐसा ही लग रहा कि भाई बोर्ड बस में से स्टील ही नहीं हुई, इस बार स्टील ही नहीं आया। तो हम भाई कि पता नहीं क्यों अभी भाई। चलो फिर आज की वाली वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भाई जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर देना सब्सक्राइब, और भाई बेल आइकन ऑल पे कर देना। इस बोर्ड बेट को लौटने में भाई कोई फायदा ही नहीं, जब हमको स्टील नहीं मिलेगा तो भाई इस बोर्ड बेट को लौटना ही क्यों। हम नॉर्मली ये सामान तो हम सबको इकट्ठा कर सकते हैं भाई, उस स्टील से नहीं तो आते हैं, पर भाई स्टील ही नहीं है। तो अभी भाई हम जा रहे हैं वापस से अपने मेज, और तो कुछ नहीं भाई दूसरा बोर्ड बेच आएगा, बोर्ड बेच आएगा तो हम चेक करेंगे वो उसमें स्टील मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ओके चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।